एवरीवन, स्वागत है आपका वेन आई एस की यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है एमपीपीएससी मेंस पेपर फोर एथिक्स का एक टॉपिक, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, अर्थात जवाबदेही और पारदर्शिता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी की। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, विवेकाधीन शक्तियों का मतलब होता है जिसके पास वह शक्ति हो कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी निर्णय ले सके किसी भी मुद्दे पे, और अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसे एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना हो। उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है, उसके ऊपर ये बाध्यता होती है कि वो जो कार्य करता है उसका संतोषजनक वो जवाब दे सके। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि यह वह स्थिति है जब किसी के कार्यों या उसके ना कार्यों के लिए, जो कार्य वो नहीं करना जो उसे करना चाहिए था, के लिए हम उसे दोषी ठहरा सकें, उसे उसका जिम्मेदार मान सकें। उस स्थिति को ही, उस गुण को ही हम जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। प्रशासन और नीति शास्त्र में अकाउंटेबिलिटी का तात्पर्य है उत्तरदायित्व, यानी उत्तर देना। आपको अपने कार्यों का संतोषजनक जवाब देना है कि आपने जो निर्णय लिए, जो कार्य किया, वह किन आधार पर किया। उसे में हमें यह भी बताना होता है कि वो क्या वो लॉजिकल थे, क्या वो समय पे लिए गए, ये सारी तभी वो जवाब संतोषजनक जवाब वो बन पाएंगे। अर्थात वो जवाब संतोषजनक जवाब नहीं माने जाएंगे, कि कोई भी जवाब देने से काम नहीं चलेगा। अब ये जवाबदेहिता प्रशासन में किस प्रकार से पढ़ाई जा सकती है। तो पहला पॉइंट है कि यदि कर्मचारियों को, यदि लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों और उनकी भूमिकाओं का स्पष्ट जानकारी हो, स्पष्ट समझ हो, ये समझ होनी चाहिए उन्हें कि वो किसके प्रति जवाबदेह हैं और कितने जवाबदेह हैं और उन्हें क्या क्या कार्य करना हो। सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मानकों का निर्धारण, यह सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो सके कार्य से संबंधित मानक निर्धारित कर दिए जाने चाहिए। इन्हें SOP या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कहा जाता है। और यदि कर्मचारी या लोक सेवकों का जो व्यवहार है, जो कार्य है, उन मानकों पर खरा उतरता है तो वे बहुत अच्छे हैं, उन्हें रिवार्ड दिया जाना चाहिए। और यदि वो उन मानकों से विचलित होते हैं, उन पर ठीक ढंग से नहीं चलते हैं, उन मानकों पर खरे उतर नहीं उतरते हैं, तो उन्हें इसके लिए पिनलाइज भी किया जाना चाहिए। फिर आवश्यक अथॉरिटी उनके पास होनी चाहिए। जिम्मेदारी देने से पहले जिस ताकत की उन्हें ज़रूरत हो, जिस अथॉरिटी की यानी शक्ति की ज़रूरत हो, उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होने चाहिए, अन्यथा कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाएगी। यदि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है तो वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा, अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से पूरा नहीं कर पाएगा। और यदि ज़्यादा हो जाती है अथॉरिटी तो वो भी ठीक नहीं है, वो उसे बहुत ज़्यादा करना चाहिए ऑटोक्रेटिक बना देगा, उसे बहुत ज़्यादा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगेगा वो व्यक्ति। फिर रिपोर्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य को करने के पश्चात सबॉर्डिनेट्स को, अपने सीनियर्स को किए गए कार्यों की रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इंक्वायरी, सीनियर अधिकारियों या सीनियर लोक सेवकों को अपने सबॉर्डिनेट या अपने अधीनस्थ लोक सेवकों की किए गए कार्यों की जांच का अधिकार होना चाहिए, और उसके आधार पर उन्हें पेनलाइज और रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पहला टाइप है वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, जिसमें सबऑर्डिनेट अपने सीनियर के प्रति जवाबदेह होता है। जैसे कि जिले का SP अपने DIG के प्रति, DIG IG के प्रति, जिले का कलेक्टर कमिश्नर के प्रति, कमिश्नर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के प्रति, यानी नीचे क्रम का जो अधिकारी है या लोक सेवक है वो अपने से ऊपर वाले के प्रति जवाबदेह होगा। वो जो भी कार्य करेगा उसकी जिम्मेदारी लेगा और उसको जवाब देगा। हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज अकाउंटेबिलिटी या क्षैतिज जवाबदेही, इसके अंतर्गत दो समान स्तर की संस्थाएं एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी, विधायिका और न्यायपालिका।
विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का सम्मान न्यायपालिका करती है और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रति या दिए गए आदेशों के प्रति विधायिका को जवाबदेह होना पड़ता है। ठीक इसी तरह से पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जनता चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए गए कार्यकलापों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराती है, उनसे जवाब मांगती है और उसी के अनुरूप उन्हें भी वो वोट देती है। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक घोषणा पत्रों के अनुसार ही उन्हें व्यवहार करना चाहिए और उसके प्रति वो अकाउंटेबल होते हैं। लीगल अकाउंटेबिलिटी या वैधानिक जवाबदेही, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक लोक सेवक को भारत के संविधान और भारत के कानून के अनुरूप ही कार्य करना होगा, अन्यथा वह अकाउंटेबल माना जाएगा, वह इसके लिए जवाबदेह होता है कि उसने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जो संविधान और कानून के अनुरूप ना हो। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी। इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी या आर्थिक जवाबदेही से तात्पर्य है कि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए और उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि देश के संसाधनों का क्षय कम हो और उससे अधिकतम लाभ हो। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन की जाती है, लेखांकन प्रॉपर किया जाता है, खर्चे का नियंत्रण किया जाता है, उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, है ना, और इफेक्टिव ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रभावशाली ऑडिट या जाँच की। सोशल अकाउंटेबिलिटी से तात्पर्य है कि समाज का प्रत्येक घटक, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या कोई संस्था हो, उसकी एक जवाबदेही बनती है समाज के प्रति। उसका व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी तरह से सोशल अनरेस्ट न फैले, समाज में शांति और समन्वय और सद्भाव बना रहे। तो ये कुछ टाइप्स हैं अकाउंटेबिलिटी के। हमारा नेक्स्ट टर्म है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी का एक बड़ा सिंपल सा अर्थ होता है ओपननेस, खुलापन। शासन और प्रशासन में खुलेपन से तात्पर्य यह है कि शासन के द्वारा लिए गए निर्णयों का उपलब्ध होना, सूचनाओं के रूप में जनता के को उपलब्ध होना, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में जनता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि सरकार जनता बनाती है, सरकार की जनता के लिए कार्य करती है और जनता उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जनता की सहभागिता भी बहुत महत्वपूर्ण है और जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि शासन प्रशासन में जो भी निर्णय लिए गए, जो भी नीति निर्माण होते हैं, उसकी सूचना जनता तक आसानी से उपलब्ध हो और इस सूचना में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ये सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, समय पर उपलब्ध हो, प्रासंगिक हो, अर्थात हर टॉपिक्स या मुद्दे से संबंधित हो, एक्यूरेट हो यानी कि सटीक हो, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी इज द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, अर्थात सुशासन की सबसे प्रमुख जो गुण है वो है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। पारदर्शिता होने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी अगर है तो इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, नागरिकों और सरकार के बीच की जो दूरी है वो कम होती है और जब ये दोनों पास आएंगे तभी लोकतंत्र के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, सही मायने में लोकतंत्र सफल हो सकेगा। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेक अ वेलफेयर प्रोग्राम सक्सेसफुल, जितने भी लोक कल्याणकारी प्रोग्राम बनाएंगे उसकी सफलता के लिए यह जरूरी है कि उसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके द्वारा दिए जो लाभार्थी जिनको वो लाभ मिलने वाला है उन्हें क्या क्या लाभ मिलने वाला है दोनों को पता होना चाहिए, बेनिफिशरी को भी और सरकार तो देती ही है, अन्यथा वो लाभार्थी अपना लाभ सही ढंग से नहीं ले पाएंगे। इट इंक्रीज द पब्लिक पार्टिसिपेशन, और इससे क्या होगा कि जनता का जो सहभागिता है वो नीति निर्माण और विभिन्न कार्यक्रमों के निर्माण में बढ़ जाएगी और लोकतंत्र के सही उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। कंट्रोल्स करप्शन एंड नेपोटिज्म, करप्शन एंड नेपोटिज्म या भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद आज के लिए सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन के लिए। ट्रांसपेरेंसी होने से इससे मदद मिलेगी इन्हें कंट्रोल करने में, इन्हें नियंत्रित करने में, इन्हें मिनिमाइज करने में, और इससे सुशासन या गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इसके लाभ हैं। सरकार द्वारा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए उनमें से कुछ प्रमुख हैं।
2005 का आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों से जनता को ये सुविधा दी गई कि वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि सरकार ने कोई निर्णय लिया है या किसी विभाग ने कोई निर्णय लिया है, वो किस क्यों लिया है। सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या विभाग यह कमिट करता है कि वो क्या क्या सेवाएं जनता को या अपने क्लाइंट्स को उपलब्ध करवाएगा। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित किया, इसके अंतर्गत जनता को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जो गारंटीड हैं सरकार के द्वारा, उनका विवरण दिया गया है। तो यह भी इस सिटीजन चार्टर का एक रूप है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सभी विभागों के लगभग प्रोग्राम्स और उनके जो नियम हैं उनको ऑनलाइन किया जा रहा है कि कोई भी उसे पढ़ सकता है, उसे जान सकता है और उसका उपयोग अपने अपने लिए कर सकता है। इससे धोखाधड़ी या नेपोटिज्म या कहें कि करप्शन को मिनिमाइज करने में मदद मिली है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिलेंस इंस्टीट्यूशंस, सतर्कता संस्थाओं की स्थापना करना, आरटीआई एक्ट के तहत ही इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई है। अन्य संस्थान स्थापित किए गए हैं जैसे कि हाल ही में लोकपाल की स्थापना की गई ताकि ट्रांसपेरेंसी को भ्रष्टाचार वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई है। तो ऐसे संस्थान हैं जो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सोशल ऑडिट, कुछ सालों में गवर्नमेंट ने सोशल ऑडिट को बढ़ावा दिया है। सोशल ऑडिट या सामाजिक जाँच हम इसको कह सकते हैं, यह एक प्रकार का इस तरह का जांच है या ऑडिट है जिसमें समाज के घटक भाग लेते हैं। सरकारी एजेंसियों भाग नहीं लेती बल्कि एनजीओज, सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के द्वारा किए गए कार्यों या सरकारी एजेंसियों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती हैं और अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं। अब आपकी इससे क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला यह हो सकता है कि जवाबदेहिता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन अकाउंटेबिलिटी। दूसरा, डिफाइन ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को परिभाषित कीजिए। तीसरा, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में पारदर्शिता का महत्व क्या है, या व्हाट इज सिटीजन चार्टर। ये तीन थ्री मार्कर में पूछे जा सकते हैं, तीन तीन पॉइंट हम लोग इसके लिए ढूंढ के लिख सकते हैं। आप ध्यान से इन स्लाइड्स को अगर पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। सिक्स मार्कर में प्रश्न हो सकते हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता जवाबदेहिता को बढ़ाती है या बढ़ावा देती है, टिप्पणी कीजिए। इन एथिक्स एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी, नैतिक शास्त्र और शासन में उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता का तात्पर्य है उत्तर देने से, एक्सप्लेन कीजिए या इसकी व्याख्या करिए। इन प्रश्नों को लिखने का घर पे अभ्यास करिए और इससे अपनी लेखन शैली को बेहतर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सुझाव हो या कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।